हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता टीचर सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से क्लास फोर्थ के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। आशा है आप ऑनलाइन स्टडी में एंजॉय कर रहे होंगे। हमने क्लास फोर्थ हिंदी के अंतर्गत स्वर और व्यंजन और शरीर के अंग के बारे में अभ्यास किया है। आज हम लेसन नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। बर्तन और अनाज, इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। बाउल, कटोरी, पिंसर्स, संडसी, कुकिंग वेसल्स, पतीला, कप, प्याली या प्याला, ग्लास, गिलास, स्टोव, गैस, चूल्हा, टोंग्स, चिमटा, नाइफ, चाकू, स्पून, चम्मच। अब हम रोज दिन के अंतर्गत काम आने वाले अनाजों के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट, नमक, जैगरी, गुड़, कर्ड, दही, शुगर, शक्कर, मिल्क, दूध, ग्राम, चना, कॉर्न, मक्का, ओट्स, जई, वीट फ्लोर, आटा, वीट, गेहूं, राइस, चावल। अब हम निकालेंगे पेज नंबर 14, बर्तन, अनाज आदि, लेसन नंबर 4। यहाँ लिखा है वस्तुओं के नाम पढ़िए। थाली, डिश, कटोरी, बाउल, पतीला, कुकिंग वेसल्स, चम्मच, स्पून, गिलास, ग्लास, प्याली या प्याला, कप, संडसी, पिंसर्स, चकला या चौका, फ्लैट, राउंड, वुडन पीस, बेलन, रोलिंग पैन, चूल्हा, फायर प्लेस, चाकू, नाइफ, चिमटा, टोंग्स। इतना आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग डालना है। सबसे पहले लेसन नंबर 4, बर्तन, अनाज आदि, और उसके बाद में लिखना है वस्तुओं के नाम, और इनको आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में लिखना है। पेज नंबर 15, पढ़िए, समझिए और लिखिए। आटा, फ्लोर, दूध, मिल्क, गुड़, जगरी, पानी, वाटर, दाल, पल्सेस, नमक, सॉल्ट, चावल, राइस, दही, कर्ड, शक्कर, शुगर। अब नीचे है स्वाध्याय, मतलब एक्सरसाइज। नंबर 1, अनुलेख लिखिए और कीजिए, इसे पढ़ना है, और सेम वापस से सेम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश वहाँ पे लिखना है, ये आपका होमवर्क है। अब नंबर 2, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। जब आपको यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखे, उसे आपको हिंदी में
लिखना है, जैसे पिंजर्स, सनसी, फ्लोर, आटा, कप, प्याली, सॉल्ट, नमक, शुगर, शक्कर, वीट, गेहूं, रोलिंग पिन, बेलन, राइस, चावल। नंबर 3, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में नाम दिए हैं, प्याला, चाकू, कटोरी, चम्मच, सनसी, चकला और चौका। इन सब को जो सही नाम है इन चित्रों के नीचे लिखना है। आशा है आप सभी इन चीज़ों के अच्छे से लर्न करेंगे। और जैसे हमने अनाज के बारे में बताया है पेज नंबर 15 पे, तो वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश है, उसे भी आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे अनाज के नाम, उसके बाद में उनको आप हिंदी टू इंग्लिश लिखेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपनी राइटिंग को स्पष्ट और क्लीन लिखिए, ताकि आगे आपको स्वयं पढ़ने में असुविधा ना हो। थैंक यू।